हम लोग अपना उदाहरण जो है 14 नंबर जो कर रहे हैं हमारा एनसीईआरटी बुक का, त्रिकोणमितीय फलन का, तो इसमें ये हमारा है कि दिखाइए कि टेन 3x टेन 2x इंटू टेन एक्स इक्वल टू टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स, ये हमको क्या करना है, शो करना है। तो हम लोग थोड़ा बहुत फार्मूला का यूज जो है देख रहे हैं। यहाँ पे हमारे तीन एंगल आ रहे हैं, टेन 3x 2x और x, तीन एंगल आ रहे हैं। तो हम लोग जो टेन 3x होता है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, टेन 2x प्लस x। अब अगर हम इसको टेन x प्लस y से ओपन कर दें तो हमारा यहाँ पे टेन 2x एंगल, टेन x एंगल और इधर टेन x टेन 3x एंगल ये भी मिल जा रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, टेन टेन एक्स प्लस वाई का जो हमारा फार्मूला होता है, टेन एक्स प्लस वाई इक्वल टू टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये फार्मूला हम लोग लगा देंगे। तो इसमें आगे बढ़े तो ये हमारा टेन 3x इक्वल टू हो जाएगा टेन एक्स, एक्स की जगह पे हमारा क्या है 2x प्लस टेन वाई, इसकी जगह पे क्या है हमारा x अपॉन 1 माइनस टेन 2x इंटू टेन एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, तिरछा गुणा करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टेन 3x इंटू 1 माइनस टेन 2x इंटू टेन एक्स इक्वल टू टेन 2x प्लस टेन एक्स। टेन 3x से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा हो गया टेन 3x माइनस टेन 3x टेन 2x इंटू टेन एक्स इक्वल टू टेन 2x प्लस टेन एक्स। अब हम लोग क्या करते हैं, टेन 2x और टेन एक्स को इधर ले आते हैं तो ये हमारा हो जाएगा टेन 3x माइनस टेन 2x माइनस टेन एक्स इक्वल टू, हमारा ये वाला टर्म उधर चला जाएगा, प्लस हो जाएगा टेन 3x इंटू टेन 2x इंटू टेन एक्स। तो ये हम लोगों का जो दिखाना था ये हम लोगों का हो गया, 14 नंबर आपका एग्जाम्पल था। अगला हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15, उदाहरण कौन सा हमको देखना, 15 नंबर ये हमारा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है हम लोगों को, सिद्ध कीजिए कॉस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स इक्वल टू √2 cos x। तो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब हम लोग जो है अपना फार्मूला यूज कर लेते हैं, हमको जो कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हमको पता है, कॉस एक्स प्लस वाई ये हमारा क्या होता है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, और कॉस एक्स माइनस वाई में हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता है, कॉस एक्स कॉस वाई, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। तो ये फार्मूला हम लोग जो है यूज करते हैं, तो एल एच एस हमारा हो जाएगा कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स, कॉस एक्स यानी कॉस पाई बाई 4 इंटू कॉस का अगला एंगल माइनस साइन पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स प्लस कॉस पाई बाई 4 कॉस एक्स प्लस साइन पाई बाई 4 साइन एक्स, साइन पाई बाई 4 साइन एक्स प्लस माइनस खत्म हो गया, ये हमारा क्या हो गया 2 cos π/4 इंटू कॉस एक्स, कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1 √2 इंटू कॉस एक्स, √2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 अपॉन √2 cos x, 1 √2 खत्म हो गया, हमारा क्या आ गया √2 cos x, यानी जो राइट हैंड साइड में लाना था वही हमारा आ गया। ये 15 नंबर सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोगों ने कर लिया।
अब हम लोग अपना 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर हमारा क्या है, सिद्ध करना है कि cos 7x प्लस cos 5x अपॉन साइन 7x माइनस साइन 5x इक्वल टू cot x। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो अब इसमें हम लोग जो है कौन से फार्मूले का यूज करेंगे, हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था cos x प्लस cos y का, ठीक है, ये फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था cos x प्लस cos y। चलिए सारे फार्मूले रिवाइज कर लेते हैं, cos x माइनस cos y, sin x प्लस sin y और sin x माइनस साइन वाई। इसमें क्या होता था, सब में तो क्या रहेगा, पहले दो तो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ही, और जो एंगल होता है वो हमारा क्या होता है, एक एक्स प्लस वाई बाई टू और हमारा क्या होता है, एक एक्स माइनस वाई बाई टू। कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में हमारा दोनों क्या होता है, कॉस होता है, यानी कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू और कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू। अब cos x माइनस cos y में हमारा क्या होता है, एक माइनस होता है और बाकी दोनों हमारे क्या होते हैं, साइन होते हैं, x प्लस वाई बाई टू और साइन x माइनस वाई बाई टू। साइन x प्लस साइन y में हमारा क्या होता है, साइन होता है एक x प्लस वाई बाई टू और अगला cos, और माइनस में हमारा क्या हो जाता है, जो एंगल वहां पे साइन में है वो कॉस में हो जाता है और जो कॉस में है वो साइन में हो जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला हम लोग लगाएंगे, एक हमारा कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग लेके चलते हैं, कॉस एक्स प्लस कॉस वाई टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, यानी सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स वाई टू इंटू कॉस सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स वाई टू। ये हम लोगों ने लगा दिया कॉस एक्स प्लस कॉस वाई, फिर साइन x माइनस साइन वाई, तो ये हमारा क्या होता है, टू कॉस एक्स प्लस वाई बाई टू, यानी सेवन एक्स प्लस फाइव एक्स बाई टू इंटू साइन सेवन एक्स माइनस फाइव एक्स बाई टू, दिस इक्वल टू टू कॉस सात पाँच बारह एक्स में दो से भाग दे तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस सिक्स एक्स, और ये कॉस सात एक्स से पाँच एक्स गया टू एक्स, टू एक्स को टू से डिवाइड किया एक्स बचा टू कॉस, ये हो गया सिक्स एक्स, और ये हमारा क्या हो गया साइन एक्स, टू कॉस एक्स सिक्स एक्स खत्म हो गया, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स हमारा क्या हो गया कॉट एक्स इक्वल टू, जो हम लोगों को राइट हैंड में लाना था वो हो गया। ये हमारा 16 नंबर हो गया, एक एग्जांपल हम लोगों का और बचा है 17 नंबर, ये भी हम लोग देख लेते हैं, फिर एक्सरसाइज हम लोग 3.3 पे पहुंच जाएंगे। ये हमारा सिद्ध करना है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x, दिस इक्वल टू 10x। अब इसमें हम लोग लेफ्ट हैंड पार्ट अपना लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x माइनस कॉस x। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमारा है साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x अपॉन कॉस 5x। अच्छा हम लोग क्या करते हैं, साइन 5x और ये हमारा जो साइन x है इसको कंबाइन करते हैं, यानी हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे, दिस इक्वल टू साइन 5x प्लस साइन x माइनस 2 साइन 3x अपॉन cos 5x माइनस cos x।
साइन एक्स प्लस वाई का फार्मूला यहाँ पे हम लोग रखेंगे, साइन एक्स प्लस साइन वाई टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू कॉस एक्स माइनस वाई बाई टू, तो ये फार्मूला हम लोग यहाँ पे रखेंगे। तो टू साइन फाइव एक्स प्लस एक्स वाई टू कॉस फाइव एक्स माइनस एक्स वाई टू माइनस, ये हमारा क्या है, टू साइन थ्री एक्स अपॉन कॉस फाइव एक्स माइनस कॉस एक्स है तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं, ये अपना फार्मूला लगा देते हैं, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई बराबर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई हमारा क्या होता है, माइनस टू साइन एक्स प्लस वाई बाई टू साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस टू साइन फाइव एक्स प्लस एक्स वाई टू साइन फाइव एक्स माइनस एक्स वाई टू दिस इक्वल टू, ये हमारा हो गया साइन सिक्स एक्स बाई टू थ्री एक्स इंटू कॉस टू एक्स, ठीक है, माइनस टू साइन थ्री एक्स अपॉन यहाँ पे टू भी है माइनस टू साइन थ्री एक्स और साइन टू एक्स, ये हो गया हम लोगों का। अब अगर हम लोग साइन टू तो कैंसिल हो जाएगा, अगर हम लोग क्या करें ऊपर से टू साइन थ्री एक्स कॉमन कर लें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस टू एक्स माइनस वन अपॉन माइनस टू साइन थ्री एक्स इंटू साइन टू एक्स, तो ये टू साइन थ्री एक्स खत्म हो गया और माइनस हमारा बचा है तो ऊपर वाला हमारा हो जाएगा वन माइनस, जो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस कॉस टू एक्स अपॉन साइन टू एक्स, और कॉस टू एक्स बराबर क्या होता है हमारा, कॉस टू ये बराबर वन माइनस टू कॉस स्क्वायर होता है, टू कॉस टू ये टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन या वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग पुट करेंगे कॉस टू एक्स की जगह पे वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा वन वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन टू एक्स, हमारा क्या हो जाएगा टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिस इक्वल टू वन माइनस वन प्लस टू साइन स्क्वायर एक्स अपॉन टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वन वन खत्म हो गया और टू टू खत्म हो गया, साइन एक्स खत्म हो गया, सीधा सीधा क्या बचा हमारा टेन एक्स, ये हमारा प्रूव हो गया राइट हैंड साइड।